बहुत पुरानी बात है, रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव में बीमा नाम का एक लोहार रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार भी था। इसी के साथ वह शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने घर के सामने भगवान शिव जी का मंदिर बनवा रखा था। एक बार रामपुर गांव में सूखा पड़ा और पूरे गांव की फसलें खराब हो गई। कुएं सब सूख गए, सब जगह हाहाकार मच गया। लोगों के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा। सब लोग मिलकर गांव के प्रधान के पास मदद मांगने गए और सब लोग विचार करते हैं, क्यों ना अपने साथ बुजुर्ग रामू काका को भी साथ लेकर चलें। आइए आइए गांव वालों, बताइए कैसे आना हुआ। अरे प्रधान जी, आपको तो पता ही है, गांव में सूखा पड़ा हुआ है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हम आपके पास मदद के लिए आए हैं, आप ही हमारे मुखिया हैं, आप कुछ करिए। रामू काका, आप तो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आप सबको तो पता है हमारे फसल भी खराब हो गए हैं और हमारे गोदाम भी खाली पड़े हैं और मेरे तालाब में भी थोड़ा ही पानी है जिसमें मछलियां हैं। अगर वो पानी मैं गांव वालों को दे दूंगा तो हमारी मछलियां मर जाएंगी। प्रधान जी, हमें पता है आपका गोदाम अनाज से भरा हुआ है और पानी नहीं देंगे तो गांव वाले मर जाएंगे, थोड़ा रहम करिए गांव वालों पर। रामू काका, आप बुजुर्ग हैं और मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर माफ कीजिए, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। सभी गांव वाले वापस जाने लगे। तभी रामू काका, ये एक बहुत ही विकट समस्या है और इस समस्या से हम एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। भीमा, तुम बहुत ही समझदार हो, तुम ही कुछ हल बताओ, कैसे हम इस समस्या से बाहर निकलें? सब भीमा की तरफ आशा भरी नजरों के साथ देखने लगते हैं। देखिए गांव वालों, हमारे पास खाने के लिए अनाज और पीने का पानी दोनों खत्म हो गया है और दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्यों ना हम भगवान शिव की पूजा रखें, वही हम सभी का दुख दूर कर सकते हैं। कोई रास्ता नहीं आते देख सारे गांव वाले भीमा की हाँ में हाँ मिलाते हैं और पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। भीमा को भी अपने भोले बाबा पर पूरा विश्वास था कि वह उनकी मदद जरूर करेंगे। अगली सुबह पूजा के लिए सारे गांव वाले शिवजी के मंदिर के पास इकट्ठा हो जाते हैं और फिर पूजा प्रारंभ हो जाती है। सारे गांव वाले 2 दिन लगातार पूजा में लगे रहते हैं। उधर भीमा भी बिना कुछ खाए पिए शिवजी की मूर्ति के सामने बैठा पूजा करता रहता है। 2 दिन बीत जाते हैं, कुछ नहीं दिखता। सारे गांव वाले निराश हो जाते हैं। तभी रामू काका सबको समझाते हैं। भाइयों, हमारे पास कुछ नहीं बचा, खाने और पीने के लिए भगवान शंकर ही हमारा सहारा है। आप लोग हिम्मत मत हारिए और भीमा पर विश्वास रखिए। भाइयों, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आप लोग मेरे साथ रहिए इस पूजा में। मुझे पूरा विश्वास है भोले बाबा जल्दी हमारी समस्या का समाधान करेंगे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। आज पूजा का 3रा दिन था। सभी गांव वाले और भीमा पूजा में बैठे बैठे अब सोने ही लगते हैं। तभी भीमा, अरे ओ भीमा, क्या हुआ भाई? कौन है, किसने पुकारा मुझे? अरे भाई, मैं हूँ, इधर मंदिर में देखो। भीमा आश्चर्य से मंदिर की तरफ देखता है और वहाँ भोले बाबा की मूर्ति से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी और आवाज भी वहीं से आ रही थी। कौन? भोले बाबा? हाँ भीमा, मैं तुम्हारा भोले बाबा। मैं देख रहा हूँ तुम सारे गांव वालों के साथ 3 दिनों से मेरी पूजा कर रहे हो और मुझे तुम लोगों की समस्या भी पता है। बाबा, मैं तो आपके दर्शन पाके धन्य हो गया और आपको तो सब पता है, आप कुछ करिए, नहीं तो ये सारे गांव वाले बिना खाना और पानी के मर जाएंगे। भीमा, तुम इतने सालों से बिना किसी लालच के मेरी पूजा करते आ रहे हो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं सबकी मदद करूँगा। बाबा, आपका बहुत आभार होगा। भीमा, ये लो, ये एक जादुई त्रिशूल है, ये त्रिशूल तुम्हारी
और गांव वालों की सारी जरूरतें पूरा करेगा। इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना और हमेशा ये तुम्हारी मदद करेगा। भोले बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका उपकार कैसे चुका पाएंगे। अरे बच्चा, ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने भक्तों का ख्याल रखूं। मुझे यहाँ आने में थोड़ा विलंब हो गया, तुम इस त्रिशूल का उपयोग ध्यान से करना, ये तुम्हारी सारी समस्याओं को हल करेगा और सुबह होते ही आप लोगों के साथ कुछ और भी अच्छा होगा। इतना बोलने के बाद मूर्ति से प्रकाश बंद हो जाता है और भोले बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद भीमा भी गहरी नींद में सो जाता है। भीमा, अरे भीमा उठो, सुबह हो गई, देखो आसमान में बादल आ गया है। सारे गांव वाले आसमान की तरफ देखने लगते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। भीमा उठता है तभी उसका हाथ किसी चीज से टकराता है। अरे ये क्या है, ये तो त्रिशूल है। भीमा को विश्वास नहीं होता, फिर उसे रात की बात याद आती है। उसे तो पहले ये सब सपने जैसा लगता है, लेकिन जब वे आसमान की तरफ और अपने पास जादुई त्रिशूल को देखता है तब वे समझ जाता है। वो मंदिर में सिर झुकाता है और भोले बाबा को धन्यवाद करता है। रामू काका, आज हम काफी दिनों के बाद भरपेट खाना खाएंगे। भोले बाबा ने सुन ली हम सब की, उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। भीमा, तुम्हारी भक्ति का कमाल हो गया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद भीमा ने त्रिशूल की मदद से सारे गांव वालों के लिए अनाज उपलब्ध कराता है और सारे गांव वालों की मदद करता है। बारिश भी अच्छी हो जाती है, इससे सूखा भी खत्म हो जाता है।